दिल्ली कमेटी दे 21 मेंबर्स ने जनरल हाउस की मंग नू लै के दिल्ली कमेटी दे जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका नू 14 दिनों च जनरल हाउस बुलाउण दी मंग कीती। इस मौके गलबात करदिआं मेंबर्स ने कहा, देखो इस तो पहला भी असी लगभग 3 या 4 बार एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग की मांग की है, मिनट्स के जो डाकूमेंट हैगे है, लैजर बुक हैगी उन्होंने मांग की है, लेकिन सानू आज तक किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। और आज असी आर्टिकल जो साडा 17 है DSGMC एक्ट के मुताबक, वो मुताबक 21 मैंबर ने साइन करके अज मंग की है कि जनरल हाउस बुलाया जाए, क्योंकि इस लगभग 1 साल तो ना एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग ना जनरल हाउस की मीटिंग हुई है, और बहुत सारे खर्चे जोड़े है वो इस तरीके दे कीते जा रहे हैं, या बहुत सारिया जानकारियां जो इस तरीके मिलदियां पईयां हैगियां कि जिवें डायगोस्टिक सेंटर का जिहड़ा मामला हैगा उहदे विच पहले जिनेजा परिवार से चावला परिवार जी वालों रकम आई गई दसी, फिर अमिताभ बच्चन जी का जिहड़ा ट्वीट आ गया उन्होंने लिख दिता अपने ब्लॉग के उत्ते कि मैं इन्ना पैसा दिता। सो ये सारिया चीज़ों के उत्ते चर्चा करन वास्ते असीं मंग कीती है कि तुरंत जिहड़ा वो जनरल हाउस बुलाया जाए। इस वेले इलेक्शन जोड़े है उस कोड ऑफ कंडक्ट लगे हुए तो जनरल हाउस क्यों बुलाया जा सकता है? नहीं, जनरल हाउस इसलिए आ गई गल हुई, कोड ऑफ कंडक्ट तो लगे हुआ, इस कोड ऑफ कंडक्ट के जिन्या पावर ने ना वो सीमित हो जाए ने, हूँ इतने व्डे व्डे डिसीजन लै रहे हैं जिन्हों की अपरूवल ही जनरल हाउस तो होनी चाहिए, जिन्हों की अपरूवल ही एग्जैक्टिव मीटिंग तो होनी चाहिए है, एंड विदाउट एग्जैक्टिव मीटिंग विदाउट जनरल हाउस दे आर डूइंग एवरीथिंग देयर सैल्फ, अपने आप ही करी जा रहे हैं, तो इसलिए असं जनरल हाउस बुला रहे हैं। कोविड महामारी का बिल है, सियासत का टाइम थोड़ा है? नहीं, ये सियासत नहीं है, पहली गल तो प्लीज़ इन बार बार रिपीट ना करो, ये कोई सियासत नहीं है, जिमें वो सेवा कर रहे हैं कि जेडे नवे अगर कल नूं हुंदे वो नहीं सेवा करते, वो भी करते, गल तो सिर्फ इन्नी है कि एक पार्लियामेंट एक्ट नाल दिल्ली कमेटी बनी हुई है, कोई एक्ट भी है, कोई हर चीज़ की कोई जिन्हें ना वो कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट होंदा, उस कोड ऑफ कंडक्ट नाल चलनी चाहिए है ना, सेवा कौन रोक सकता, सेवा तो कोई भी होएगा सेवा करेगा, इन्ह की जगह तो कोई होर होंदा तो यही कुछ होया होंदा, शायद होर सियाने तरीके नाल होया होंदा। सिंह जी तुहाडा तो इहो सवाल दुबारा रिपीट कर रहे हैं कि दिल्ली संविधान कमेटी के चोणां तो हुण टल गईआं ने, पोस्टपोन हो चुकी हैं, 2 महीने बाद होंदीआं ने कि 4 महीने बाद वक्त जाहिर करेगा, मगर इस वेले तुसीं पहले भी आए थे मिनट्स मीटिंग मंगण वास्ते, कि मिल गए सी मिनट्स ऑफ मीटिंग मंगन वास्ते? एग्जीक्यूटिव बॉडी के मैंबर आए थे सारे, उन्होंने नहीं दिते गए, जनरल हाउस से मैं भी मंगे सी और बाय मेल भी पाई है, नहीं देंगे दे। देखो जिते तक गल है कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जिम्मे तुम उन्हें क्वेश्चन किया कोड ऑफ कॉन्डक्ट का, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगे तो उन्होंने ऐसे फैसले लेने चाहिए जो उस तो आउट होन, रूटीन के कम सेवा का कम करने चाहिए ने, पर आउट ऑफ जो नवे फैसले दिए जा रहे हैं वो गलत ने, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट अगर उन्होंने वास्ते लगे साढ़े वास्ते भी लगे आया तो उन्होंने वास्ते भी लगे आया, सब सारे मैंबर इको बराबर ने। दूजी गल, 21 मैंबर ने किया कि हाउस के अंदर बुलाओ, सानू क्लैरिटी चाहिए है, कल नूं मैं चले जा क्लैरिटी कौन देगा उस चीज़ की? मान लो इलेक्शन हो जाता 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, तो कल हाउस नहीं बुलावेंगे तो क्लैरिटी कितों आएगी? भी दो जगह पेमेंट लीती है, दो जगह हूँ तो बंदे दो खड़े हो गए जी, मैं वो कहता मैं दिती है तुम मन रहे हो तो दोनों भी तुम मन गए, हाँ जी दोनों पेमेंट आई हैं, और ट्वीट के बाद तुम मन के पहले दसता है कि 1 साल तो तुम दसिया नहीं कि 10 करोड़ रुपया मैंने उधरों भी आया, अज तक किसी भी अकाउंट तुहाडे सोशल मीडिया तक किसी जगह इन्होंने मनिया से उदा दे, अमिताभ बच्चन जी ने जब ट्वीट किया अपने ब्लॉग के अंदर लिखा तो पता चलिया कि हाँ जी उधरों डबल रकम आई हुई है, साड़ा तो हूँ एक क्लैरिटी दो जी किधर गई रकम और आई है तो किधर गई और आई है तो दो जगह क्यों लीती गई, मतलब एक माल दो जगह वेच दोगे तो थोड़ा तो काम हो गया, फ्रॉड वाला काम नहीं कहते कि इस पिछले दिल्ली संविधान कमेटी के मैंबर ने एक वीडियो पाई है कहते कि सब मैंबरों ने 6-6 लाख रुपये मिले, तुम्हें मिले ने? सानू 1 रुपया नहीं मिले जी, ऑन रिकॉर्ड है चैक कर लेना, अगर साढ़े नाम तो कोई पै लेता साढ़े साइन दिखा दें, सू 1 रुपया भी नहीं मिले, ईवन बच्चों की फीस वास्तव चैक भेजते सी वो भी नहीं दिते सानू उन्होंने, मिले कोई पेमेंट 6 लाख रुपये का? देखो जी 6 लाख रुपये मैं तो कई बार लैटर भी लिखे, इन्होंने कहा जी साढ़े को फंड नहीं, असं तो पुराने जोड़े है ना साड़ी पार्टी के जोड़े मैंबर से ना असं उन्होंने फंड देंगे तो नहीं देंगे, मैंने भी कहा गया जी कि उन्होंने अगर तुम साड़ी पार्टी ज्वाइन कर लो तो सारा फंड देंगे, पिछला दिन फालतू देंगे और दिता एक करके कि असं ज्वाइन कर तो मना करता बादल दल, असं उन्होंने खिलाफ खड़े हुए तो ज्वाइन किमें करा, तो उन्होंने साफ कह जी साढ़े वाल नहीं आओगे असं सू उपरा हुक्म है असं नहीं देने, सिरसा साहब के वाले सू उपरा हुक्म है वे कि उपरा साढ़े मेन जे मैंबर ने मैंने नाम नहीं बुंदड़ साहब ने कहा जी नहीं देना जी, उन्होंने दा नाम लिता मीटिंग सर तुम तो मैंबर रहे हो तो नाल कमेटी के अंदर वाइस प्रेजिडेंट रहे तो मिले होगा फंड? पिछले लगभग 2 साल तो 5 रुपये फंड जो सानू भी नहीं मिले,
और दो साल बेमिसाल का यही एक सब तो वड्डा उदाहरण है कि जिहड़ा पहले फंड मिलता सी वो फंड नहीं मिलिया। लेकिन मैं एक गल जरूर कहनी चाहवांगा जो कालरा साहब ने और विक्की चावला जी ने कहा, देखो ये गुरु घर है, गुरु घर की मर्यादा इत्थे जिहड़ा भी बंदा इलैक्शन लड़ के किसी भी पार्टी तो आवे वो अपने इलाके की सिख संगत की सेवा करन वास्ते आउंदा है और मैं इस गल का पैरोकार हाँ और इस गल की वकालत करांगा कि अगे आने वाले टाइम च भी कोई भी मैंबर किसी भी पार्टी तो अगर जित के आउंदा है उन्हूं बराबर वो इलाके दे विच सेवा करन दा हक जिहड़ा वह मिलना चाहिए है। लेकिन मैं पहली बार इतिहास के देखिया पिछले लगभग 30 सालों तो मेरा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाल वास्ता रहा है कि जिहड़े नॉन मैंबर हैगे है जिहड़े अकाली दल बादल दे वर्कर हैगे है उन्हां नूं तां फंड इत्थों दित्ते गए लेकिन जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे है उन्हां नूं फंड नहीं दिता गया, जिहदी मैं सख्त शब्दां दे विच निंदा करदा।